अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आज आपको निहारी बनाना सिखा रही हूँ। निहारी में जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो ये है, ऑयल है, कैनोला ऑयल, या आप घी में बनाएं। घी में ज़्यादा अच्छी बनेगी, लेकिन मैं हैवी की वजह से ऑयल में बना रही हूँ। लहसुन गार्लिक है, लहसुन अदरक का पाउडर है, लहसुन अदरक है, गार्लिक और जिंजर। और ये अदरक हमने गार्निश के लिए, वो जैसे जब हम भगार बनाएंगे प्याज का, उसके लिए, और ये प्याज भी भगार के लिए है। चिकन है, मेरा चिकन है 1.5 किलो, 1 किलो चिकन, 1.5 किलो चिकन है ये, 1.5 kg। ये नमक है, आप अपने अंदाजे से जितना आपको सॉल्ट यूज़ करना है वो यूज़ करें। ये चिल्ली है, रेड चिल्ली पाउडर, अगर इसमें देगी वाली मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छी है, वो रेड कलर की होती है, लाल मिर्च, देगी लाल मिर्च, तो उससे कलर बड़ा अच्छा आता है। और ये है हल्दी पाउडर, ज़ीरा, गरम मसाला है, गरम मसाले के अंदर काला गरम मसाला है इसके अंदर, और 7-8 बड़ी इलायची है, लौंग है, 6-7 लौंगे हैं, और काली मिर्चें, 2 काली मिर्चें, 2 बड़ी इलायची हैं, और ये लौंगे हैं 6-7, और 6-7 काली मिर्चें हैं, और दाल, 2 दालचीनी के पीस हैं, ये देखेंगे आप। और इसके अंदर है जायफल, जवेत्री, और बादियान का फूल, ये 2 फूल हैं, और ये जायफल जवेत्री, जायफल मैं इसमें से थोड़ी सी ही लूँगी, हाँ जवेत्री। और ये क्या कहते हैं, सौंफ है 4 टीस्पून 1.5 किलो में, 4 टीस्पून। और ये 1/2 टीस्पून है सौंठ का पाउडर, अदरक, सूखी हुई अदरक जो होती है वो आप बेशक उसके अंदर ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लें, या इसका पाउडर ले रहे हैं सौंठ का। अब मैं ये सारी चीज़ें जो है मेरे मसाले हैं ये मैं ग्राइंडर के अंदर डालती हूँ। चली गई, नमक चला गया, गरम मसाला, मिर्च, हल्दी, जीरा, और ये बादियान का फूल होता वो, और थोड़ी सी इसके अंदर में ये जायफल जवेत्री थी, थोड़ी सी चली, ठीक है, ये जायफल जवेत्री सब हो गया। अब इसको मैं पीस लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये हमने मसाला पीस लिया है, ये देखें ये इस कलर का होगा ना। अगर आप इसमें मिर्चें वो देगी वाली डालेंगे तो उसका कलर बड़ा अच्छा आएगा, लेकिन मैंने रेगुलर मिर्चें डाली हैं और कम डाली हैं, ठीक है। तो ये आपका मसाला तैयार हो गया है। अब मैं ये चिकन को ऑयल मैंने गरम करने रखती हूँ, ऑयल डाल के इसके अंदर ये चिकन जो है मेरा रख दो वहीं पर। देखें अब ये ना जो चिकन है इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया, होने के बाद इसका कलर देखें ऐसे चेंज हो जाए चिकन का। तो इसके अंदर आपने अदरक का पेस्ट डाल देना है, अदरक और ये लहसुन का पेस्ट, गंद गार्लिक जो दोनों चीज़ें इसमें से डाल देना, थोड़ा सा और 2-3 मिनट होने तक उसकी कच्चापन निकल जाए आपका लहसुन अदरक का। जो आपका मसाला पिसा हुआ है, इस मसाले में से मैं ये 2 टीस्पून 1 टेबल स्पून 2 और ये 3 टीस्पून मैंने इसके अंदर मसाले के भर के डाल दिए, निहारी के मसाले के थोड़ा सा मसाला मैंने रखा है, क्योंकि जब मैं भगार बनाऊंगी ना तो इसके अंदर वो डालेंगे। और इसके अंदर अब हम पानी डालते हैं, पानी ज़्यादा डालना है, ये जितनी पकेगी उस पानी कटे से खाएगा,
मैंने आपको एक चीज़ दिखाना भूल गई, उसमें आटा डलेगा बाद में, आटे की पेस्ट 4 टेबल स्पून आटा जो है वो हम इसमें पेस्ट बना के डाल देंगे। ठीक है, इसको हल्की आँच पे पकने के लिए मैं रख देती हूँ। हाफ डन हो जाएगी जब ये, तो फिर मैं इसको इसमें जो आटा है मैं वो डालूँगी। अभी मैं इसको हाफ डन करने के लिए रख देती हूँ। ठीक है, ये देखें, ये मैंने 4 टेबल, मैं आपको ये दिखाना भूल गई थी कि इसमें आटा डलता है, तो इसमें मैंने 4 टेबल स्पून आटा जो है वो इस बाउल में निकाल लिया है और इसमें पानी डाल के इसकी एक पेस्ट बना लेंगे और इसके अंदर लम्स ना आए, क्योंकि वो अगर इसमें लम्स आएंगे तो आपकी निहारी में भी गुठलियाँ आ जाएंगी। तो ये देखें कि बिल्कुल गुठली कोई ना हो पानी के अंदर। इस तरीके से इसको वो कर लेते हैं, करने के बाद हम इसको इसमें डालते हैं। ये अब हाफ डन हो गया है हमारा ना चिकन, और इसके अंदर आप आहिस्ता आहिस्ता जो आपका आटा है, अच्छा अगर अब आपको पता नहीं कि पानी कितना है या क्या है, ज़्यादा हो जाता है तो प्लीज़ आप आहिस्ता आहिस्ता रोक रोक के डालिएगा, ताकि आप उसकी थिकनेस देख लीजिएगा कि कितनी हो गई है। एकदम से डालने से ये होगा कि गाढ़ा हो जाएगा, तो फिर वो पतले के लिए आपको और पानी डालना पड़ेगा ना, तो इसको ज़रा देख देख के डालते जाएं पानी कि आपको कितना गाढ़ा चाहिए। बस हमारे ख्याल से तो ये काफ़ी है और मेरा ये 4 टेबल स्पून पूरे हो गए। ठीक है, अब मैं इसको पकने के लिए, मैंने इसमें ज़रा सा पानी मुझे कम लग रहा है, इसमें अभी और पकना है, तो इसमें ज़रा सा पानी मैं और ऐड कर देती हूँ और इसको हल्की आंच पे आप रख दें इसको 15 मिनट ना, 15 से 20 मिनट, ताकि जितना भी इसमें चिकन का फ्लेवर है वो आपके आटे की स्मेल ख़त्म कर देगा ना, और आटा की स्मेल ख़त्म हो जाएगी ज़्यादा पकने से। ठीक है, फिर मैं इसके बाद आपको दिखाती हूँ। देखें, ये निहारी हमारी कम्प्लीट हो गई है, ऐसी हो गई है, ये काफ़ी अच्छी पक गई है। देखें इसका मसाला, अब मैं इसका भगार बनाती हूँ, तो फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं इसके ऊपर भगार लगाते हुए। ये मैंने ऑयल फ्राई पैन ले लिया, फ्राई पैन के अंदर मैंने ऑयल डाल लिया है थोड़ा सा, ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा मेरा तो मैं इसमें ये प्याज जो मैंने काटी है अभी, एक बड़ी प्याज है ये, प्याज अच्छी लगती है उस पर बनना, तो ये एक बड़ी प्याज पूरी इसमें चली गई। जब ये हाफ डन प्याज आधी हो जाएगी तो ये अदरक भी मैं इसमें मिला दूँगी। तो जैसे ही ये प्याज ब्राउन होती है मैं आपको बताती हूँ। देखें हमारी प्याज हो गई है काफ़ी, अब मैं इसके अंदर ये अदरक तो मैं काफ़ी चीज़ें डाल देंगी, तो सॉफी कर लें इसको। हरा धनिया डाल दें, ताकि हरे धनिया की फ्राई में खुशबू आ जाएगी, तो मैंने हरी में भी आ जाएगी। तो जो मसाला थोड़ा सा बचा था मेरा पूरा हो गया था, ये थोड़ा सा मसाला इसमें डाल दें। ज़रा सा जैसे इसकी खुशबू आपको आने लगे ना, कि वो जो सौंफ और ये सारा फ्लेवर इसका आएगा, तो ये आप अपनी निहारी में डिश आउट कर दें। अब देखें तैयार है, मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। निहारी मैंने आपकी डिश आउट कर ली है, तो इसकी हम ऐसा करते हैं डेकोरेट कर लेते हैं, थोड़ा सा डेकोरेशन कर लेते हैं, सादा धनिया डाल रहे हैं, और
उसके साथ सर्व करें। इसको एंजॉय करें। मुझे प्लीज़ बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।